ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्ना मृसुरा सुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पाद निखेन्दवा प्रवचना बोधिन्दवा साई नहा। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जने से पंड गुरुवा कुरवंत ते मंगलम कुरवंत मे मंगलम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जय नरेंद्र देवी अभिषेक विधि करो मैं कल्याण निर्भत निर्जलनी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करो नवन में जल से तुम्हारा। ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम नम नम हम सम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधु फुफलार के कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन्नात्मा मिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समे प्यूरल स्वाद लिए मले इस नाल के रस से अब से करके चाहूं प्रभु मूल वचन इसके सदरस हो। ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम बम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधु फुफलार्घ्य कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रत चुका है। हे नाथ या अभिषेक करु रुचि दे मेरे वचन से जकन सायन भो। ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम बम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट कर एक तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम बम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांग किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अब से करके मैं काम देवांग चित्र प्राप्त कर लूँ। ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम बम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्ति एक अत्यधिक आशीर्वाद दी पे हुआ पर समी अति मंगली के दस्य अब से करके तेलोक मंगल में निस्सौख्य पाऊँ। ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम बम बम हम सम तम बम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते दधि अब से कम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रहे तो गुरु नवन में। ओम रीम श्रीम क्लीम एम हम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से तेलोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टों को। ओम राम रीम रूम रोम राश नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जिलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा।
चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा मंगल आरती। दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन महता दृण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम त्रिभुवरोतारयामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनलुल पुष्प कही चरस दीप सुदूप फलार की कही धवल मंगल कानन भाकुले जिन ग्रह जिन्नात्मा हमे जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि इति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर दिमला लीने गंधाम उसे नित करूँ अब से के प्रकार के बलिज्ञान में आतम द्योत पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्ली में मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते पूर्ण कल से नफ्सेमी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन चंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुदु फुफलार की कही धवल मंगल कानन वाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमे जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामि इति स्वाहा। शांति धारा, शांति धारा के लिए जिन्हें भी अपना नाम लिखाना लिखवा दें पूछ लो। शांति धारा होना है, जिनको अपने परिवार का नाम देना है दे दे, जो भी राशि लिखाना चाहे लिखवा दें। चलिए आज गुरुवार का दिन है तो अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन आए हैं, उनके हाथ में झारी दे दो, दोनों तरफ से झारी ले लो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोषकलमसाय दिव्यते जो मोचे नमः श्री शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब लोगों सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशाय छामना मर विनाशाय ओम राम दीम रूम ओम राशि नमः। गणनी प्रमोद श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य श्री अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन सम्यक जैन लखनऊ निवासी सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु ऋचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंसु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ नीतीश जैन नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन शीशे वाला परिवार प्रयागराज विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी दूंगी संजय पन्ना लाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवल नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवल नासिक डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार विजय जैन जिनराज जी जैन राजपुर रोड विजेंद्र जैन जमुनापार श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती सुनंदा जैन भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनॉट प्लेस नई दिल्ली अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर राजेश जैन दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ उषा पाटनी इंदौर निवासी था परिवार से विवेक कुमार माणक चंद जी दाकी नागदा जैन उदयपुर निवासी सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत श्रीमती ललिता भाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगाँव राजा बुल्डाना श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाड़ोती शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायराराम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार
श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार कविता हितेशी, संतोष कुमार ज्योति, सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, चिजित प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार से परिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सी ए पारितोष जैन, सुषमा जैन से परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सा परिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर, समस्त परिवार नागपुर, रोबी, नेहा, अवनी, एरोन जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, मानसरोवर जयपुर, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, डॉक्टर आई एल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, मवाना मेरठ, श्रीमती रेखा रानी, एस पी जैन, नीरज, डॉक्टर दिव्या आरुष, सरिता विहार दिल्ली, डॉक्टर दिलीप लिवासा, भूरे जैन, प्रेमचंद लिवासा, पुसेगांव, हिंगोली महाराष्ट्र, श्रीमती कांताबेन, चिरंजी लाल जैन, पालविया परिवार, मुंबई निवासी सा परिवार, चलका नवीन जैन, पालगंज दिल्ली निवासी सा परिवार, सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सा परिवार, श्रीमती कांताबेन, चिरंजी लाल, मुंबई निवासी सा परिवार, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन बोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन बोरा, टोक्यो जावान निवासी सपरिवार, सरपूज का नाम, सरभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व सागर नदी जल भयोदर भगंदर कुशकामलादि भयदि बंधन भयुयान दुर्घटना भयवाष्पयान दुर्घटना भयुश्चक्रिका दुर्घटना भयदि सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयद्विचक्रिका दुर्घटना भय विस्फोटक विषाक्त वाष्प क्षण दुर्घटना भूकंप दुर्घटना भयधनानि व्यापार हानि भयराज भयचौर भयिष्ट भयशत्रु भयशोक भयसांप्रदायिक विद्वेषम भैरव
ज्वरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व आयासः सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रहभयम सर्व दुःखम सर्व पापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराद वीर वर्धमान अमलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवंतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अनामाद्य अनामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2550 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ आचार्य शांति सागर महाराज पुण्यतिथि दिवसे यम सांधारा विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आर्घासौकणम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति नस्वीक्षम मना समाधिम धर्म सुक्त ध्यानम यशाः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दीघात प्रणम घाते घाते आयुष रागे रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनप्रतिमाया मत्स्य कथोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु सभी शांतारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसत स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुरूप फलार की कई दोल मंगल गान बाकुल जिन ग्रह आत्मा मिले। ओम ह्रीम शांति धार आपसे कम करो मी अर्घम नृपामी ती स्वाहा। अब आचार्य श्वान सागर महाराज का आपसे आचार्य श्वान सागर जी का आपसे चलो चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। आज परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की 69वीं पुण्यतिथि है। आचार्य श्री की प्रतिमा विराजमान है, उनका अभिषेक करेंगे। करिए शुरू करिए अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। 36 मूल गुण युत आचार्य गुरुवर जिनका है प्राकृतिक रूप परम दिगंबर अभिषेक करके जल से पावन हुआ मन आचार्य के चरण में शतवार वंदन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री आचार्य परमेष्टिबिम्बम परम पवित्र जस जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांत सागराचार्य परमेश अर्घम निरपामीति स्वाहा। नारियल के रस से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिबिम्बम नाली के रसाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश अर्घम निरपामीति स्वाहा। इक्षु रस शर्करा से अभिषेक करें। आचार्य के वचन मिष्ट सुपुष्टिकारी मैं इक्षुरस से कर लूं अभिषेक भारी अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिबिम्बम इक्षुरसेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। चलिए शर्करा से गुरु के वचन मधुर सर कर सम सुहाने इस हेतु हम शर्करा गुरु शीश डालें अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिम्बम सरकरिया से चामी स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने अर्घम निरपामीति स्वाहा। अब चलिएगा घी से
घृताभिषेक सट रस में घृत है बड़ा तन पुष्टिकारी उससे करें नवन आत्म सौख्यकारी अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत् मूलगुणपालक श्री आचार्य शांति सागर बिंबम कृतेन अवसेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागर आचार्य परमेश निर्गम निरपामिति स्वाहा। दूध का कलश हाथ में ले लें। चंदा किरण समधवल ले दुग्ध कलसा आचार्य श्री का अभिषेक करूं मैं हर्षा अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत् मूलगुणपालक श्री शांति सागर आचार्य बिंबम दुग्धेन अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागर आचार्य परमेश निर्गम निरपामिति स्वाहा। दधी से अभिषेक मुक्ता कणों सम दही अभिषेक लगता मोती समान भावों को शुद्ध करता अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत् मूलगुणपालक श्री शांति सागर आचार्य बिंबम दधना अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। सर्वौषधि से सर्वौषधि स्नपन कर गुरु ऋषि का सब रोग नष्ट हो मुनिवर तव कृपा से अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं षट त्रिंशत् मूलगुणपालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम सर्वौषधिना अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। चतुष्कोण कलश अभिषेक करें। अभिषेक कर चतुष्कोण कलश के द्वारा कर लूं विनाश चहूं गति की भ्रमण यात्रा अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट त्रिंशत् मूलगुणपालक श्री शांति सागर आचार्य बिंबम चतुष्कोण कलशाभिषेकम् करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागर आचार्य परमेश ने अर्घ्यं निरपामिति स्वाहा। चंदन चर्चन करें। चंदन विलेपन मलयागिरी चंदन घिस कर गुरुपद में चर्चन कर लूं अभिषेक में चंदन लेपन कर मन को शीतल कर लूं। मलयागिरी चंदन घिस कर गुरुपद में चर्चन कर लूं चंदन जितना घिस जाता उतनी सुगंधी देता मन सुरभित करने हेतु चंदन से विलेपन कर लूं। मलयागिरी चंदन घिस कर गुरुपद में चर्चन कर लूं। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठी प्रतिमां चंदनानुलेपनं करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि पुष्पवृष्टि गुरु पर करूं सुरभित पुष्प मंगाए गुरु कृपा की वृष्टि हो गुण सुरभि मिल जाए। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। बहुत ही सुंदर सुंदर अयोध्या की पुष्पवाटिका के पुष्प हैं उनसे पुष्पवृष्टि की गई। मंगल आरती मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की जय जय आचार्य गुरुवर जय 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 आचार्य गुरुवर जय जय जय। 36 मूल गुणों के धारक आचार्य परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी चतुर्विध संग के नायक हैं आचार्य परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी। वात्सल्य मूर्ति की जिन धर्म कीर्ति की छवि को निहारूं रे
हो प्यारी प्यारी छवि को निहारूं मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की जय जय आचार्य गुरुवर जय 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 इति मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। अब सुगंधित जल से अभिषेक। कर्पूर युक्त चंदन जल में मिलाया आचार्य का नवन उस जल से कराया मैं पूर्ण कुंभ से गुरु अभिषेक करके चाहूं सुगंधित बने जीवन गुणों से। ओम रिम परम पवित्र सुगंधित जलेन आचार्य बिंबम अभिषेच्यामि स्वाहा। ओम रिम श्री शांति सागर आचार्य परमेश अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांति धारा करें। श्री परमेष्ठी आचार्य महामुनिराज सभी के सहारा कर लूं मैं शांति धारा। ओम रीम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम रीम शिवपति पथिकाय नमः। शिवपति दर्शक आचार्य शांति के द्वारा कर लूं मैं शांति धारा। गुरुपद की ऊर्जा मिल जावे हर मन की कलियां खिल जावे इसलिए भक्त आते हैं गुरु के द्वारा कर लूं मैं शांति धारा। सच्चा सुख त्याग में है गुरुवर संसार का वैभव है नश्वर अविनश्वर सुख पाने का यही सहारा कर लूं मैं शांति धारा। संतों के से देश का गौरव है इनके तप त्याग की सौरभ है फैले सुगंधिता इनके तप के द्वारा कर लूं मैं शांति धारा। इस राष्ट्र में शांति सदैव रहे दुनिया में अमन और चैन रहे चंदनामती पावन लक्ष्य हमारा कर लूं मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं षट् त्रिंशत् मूलगुण पालक श्री आचार्य शांति सागराचार्य बिंबस्य मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमि स्वाहा। सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। अब पूज्य बड़ी माता जी के द्वारा उद्बोधन मंत्र और उसके बाद आचार्य शांति सागर महाराज की पूजा। ओम रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान सबदेव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम रीम चतुर्मी सती शंकर अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। चलिए माता जी सभी लोग जूम चैनल के साथ जुड़ जाए और आचार्य श्री की पूजन अभी संपन्न करेंगे। पिछी का मंडल उधारी माता नमंत में हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन। ओम ऋग्मणि प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी सब लोग बैठ जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। पुनश्च लब्धि विधान व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री महावीर स्वामिने नमः। पुनश्च अब व्रतों की ओर चलेंगे। 16 कारण व्रत पर्व का मंत्र
ओम रीम अरहम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम रीम अरहम वैयावृत्तिकरण भावनायै नमः। ओम रीम पंचपरमेश्वरभ्यो नमः। ओम रीम पंचपरमेश्वरभ्यो नमः। ओम राम रीम रूम रोम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम रीम रूम रोम रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री श्री ओम ह्रीं श्री जन्मुखोद्भूत स्यादवाद न गर्भित। ओम ह्रीं श्री जन्मुखोद्भूत स्यादवाद न गर्भित। द्वादसांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादसांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम रीम श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम रीम श्री नेमी सागराचार्य परमेश्वरने नमः। सोलह कारण का मंत्र भैया व्रतकरण भावना ठीक नव्यात्मा। आज भैया व्रतकरण भावना है जिसका अर्थ गुरुजनों की दस प्रकार के जो साधु माने हैं आचार्य उपाध्याय तपस्वी सहच ग्रहण गण कुल संघ साधु मनोज्ञान आदि उनकी वैयावृत्ति करना सेवा करना शुश्रूषा करना अस्वस्थ अवस्था आदि में प्रासुक शुद्ध औषधि उनके आहार में पहुंचाना आदि सब वैयावृत्ति है। और इसके साथ अपनी सभी शक्ति के अनुसार वैयावृत्ति करने का विधान है श्रावकों के लिए भी साधुओं के लिए भी। साधु भी साधु की वैयावृत्ति करते हैं कराते हैं आहार स्वयं नहीं बनाते हैं तो श्रावकों को दवाई इत्यादि की प्रेरणा दे देते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो वैयावृत्ति के प्रभाव से वैयावृत्ति के प्रभाव से आगे आकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर चुके हैं। आज आचार्य श्री शांतिसार महाराज जी की 69वीं पुण्यतिथि है अथवा उनके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगी उनके जीवन परिचय के बारे में। अभी आप उनकी पूजा भी करेंगे और मध्याह्न में पारो चैनल के माध्यम से ही श्रद्धांजलि सभा आदि का आयोजन किया जाएगा। इसी श्री कुंद कुंद आमनाय में सरस्वती गच्छ बलात्कार गण चला आ रहा है उसी परम्परा में ये प्रथमाचार्य हुए हैं। इनका जन्म आषाढ़वदी छठ ईस्वी सन 1872 में हुआ है। 1872 में ग्राम में भोजगाम इनका जन्म स्थान इनका माता पिता का स्थान माना गया है। कहते हैं जन्म ननिहाल में हुआ जिला भोजगाँव जिला बेलगाँव कर्नाटक। इनका नाम सातगुणा पाटिल पिता भीमगुणा पाटिल थे। ये जैन भीमगुणा पाटिल जैन माता सत्यवती इन्होंने जो है छोटी उम्र में विवाह हो गया और कन्या का स्वर्गवास हो गया। दूसरे विवाह करने की प्रेरणा दी लेकिन वो शुरू से विरक्त बना थे इसलिए विवाह न करके शादी न करके दूसरे पुनः ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को ईस्वी सन 1914 में इन्होंने छुटक दीक्षा ली है ग्राम उत्तूर में जिला कोल्हापुर उत्तूर गांव में महाराष्ट्र में मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति महाराज से छुटक दीक्षा ली। और ईस्वी सन 1917 में गिरनार में भगवान श्री नेमिनाथ के श्री चरणों के समक्ष आयलक दीक्षा धारण की। पुनश्च फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को ईस्वी सन 1920 में एरनाल में मुनि श्री देवेंद्र कीर्ति महाराज के करकमलों से मुनि दीक्षा ग्रहण की है। पुनश्च इनका आचार्य पद हुआ है अश्विन शुक्ला एकादशी जो अभी आचार्य पदारोहण वर्ष मना रहे हैं ईस्वी सन 1924 में हुआ है समडोली में। गत वर्ष इसका उद्घाटन हो चुका है बड़े रूप में समडोली से। तो सांगली महाराष्ट्र जिले में है।
उसी दिन आचार्य श्री के कर कमलों से मुनि श्री वीर सागर जी जो छिलक थे उन्हीं से दीक्षित और मुनि श्री नेमी सागर दो दीक्षाएँ हुई थी। आचार्य वीर सागर जी महाराज जो प्रथम पट्टाचार्य हुए हैं उनके प्रथम शिष्य रहे हैं और द्वितीय शिष्य नेमी सागर रहे हैं मुनि अवस्था के, जिन्होंने मुंबई को तीर्थ बनाया। मुंबई में पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली आदि की मूर्ति विराजमान करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे आचार्य श्री सांथार जी महाराज ईस्वी सन 1937 में इन्हें चारी चक्रवर्ती पदवी प्रदान की गई है अनेकों विद्वानों और सभी श्रीमंतों आदिकों के द्वारा, और समाधि मरण हुआ है द्वितीय भाद्रपद, उसमें दो थे और मैं भी छिलिका अवस्था में वहाँ मौजूद थी। मैंने छिलिका दीक्षा ईस्वी सन 1953 में ली है, 52 में घर छोड़ा है ईस्वी सन 1952 में, और महावीर जी में दीक्षा ली है। तो मैंने आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज की आज्ञा लेकर के एक छिलिका के साथ, छिलिका विशालमती माता जी के साथ में महाराष्ट्र में चतुर्मास किया मसवड़ में, और वहीं से आचार्य श्री के समाधि के समय एक महीना कुंथलगिर में रही थी और महाराज जी के अनेक अमूल्य वचन सुने, उनसे शिक्षा पाई और उनका वीर मरण देखा है। द्वितीय भाद्रपद शुक्ला द्वितीया आज के दिन ईस्वी सन 1955 में कुंथलगिरी में आचार्य श्री ने शरीर छोड़ा है। ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः कहते कहते जपते जपते और ध्यान मुद्रा में शरीर का त्याग किया है। भव्यात्माओं, आज के पवित्र पावन पुण्यतिथि और इससे पूर्व उन्होंने अपने संपत्ति ज्ञानमल जी से पत्र लिखा करके अपने प्रथम शिष्य आचार्य वीर साज के लिए अपना आचार्य पद भेजा था, आचार्य पद का अपना त्याग करके और अपना आचार्य पद आचार्य वीर साज के लिए भेजा था, जो खानिया में विराजमान थे, जयपुर में खानिया में ससंग चतुर्विसंग सहित। और मैंने भी आचार्य श्री के चरण सानिध्य में हारिका दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी इससे पूर्व, तो आचार्य श्री ने कहा था कि मैं मेरे प्रथम शिष्य उन्हीं को अपना आचार्य बनाऊंगा और तुम वहीं जाकर दीक्षा लेना, चूँकि यहाँ कोई हारिकाएँ नहीं हैं और तुम्हारा उत्तर में जन्म लिया है तो इसलिए उधर में जो है हारिकाएँ हैं अब वीर साज के संग में, बहुत छोटी उम्र है, कभी अकेले नहीं रहना। आचार्य श्री का आदेश आज तक मैंने पालन किया है, बचपन से लेकर आज तक मैं कभी अकेली नहीं रही। और भी आचार्य श्री ने अनेकों शिक्षाएँ दी थी, मुझे कहा था अनगार धर्मानुरत भगवती आराधना मूलाचार आदि इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना आदि। तो बात यही है कि आचार्य श्री अपने आप में एक महान प्रथमाचार्य, इस युग शताब्दी के प्रथमाचार्य हुए हैं इसी सन के, एक महान आचार्य जिनके द्वारा सम्यक शिखर की यात्रा के लिए जो इसी सन 1928 में बिहार किया उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो जैन शासन की दिगंबरत की प्रभावना हुई है विशेष है, वो तो सब आगे आपको सुनाते ही रहेंगे और सुना भी है पहले, अभी आप उनकी पूजा करेंगे और मध्याह्न में उनके गुणों का गान हम और आप करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में देव मूर्ति विराजमान किए कई गांव में, दही गांव कुंथलगिरी आदिकों में, और ग्रंथों का ताम्रपट आदि ग्रंथों पर उत्कीर्ण कराकर षटखंडागम ग्रंथ को प्रकाशित कराया आदि अनेकों ग्रंथों का प्रकाशन कराया और गुरुओं का सृजन किया। देव शास्त्र गुरु तीनों के कर्ता, तीनों के सृजन करने वाले, और इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री सांसार महाराज जयवंत रहे, उनकी परंपरा जयवंत रहे। अभी उनके सप्तम पट्टाचार्य उनके पद पर आसीन है समलोनी में ही, उनके लिए भी मेरा नमन। ऐसा आचार्य श्री सांसार महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। एक लोकोत्तर साधक
जिनके चित्र मात्र को देखने से लगता है कि इनका रोम रोम तप संयम साधना से पवित्र है, निश्चलता निष्प्रहता की मूर्ति हैं, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज के आज 69वीं पुण्यतिथि है। पूरा दिन आचार्य श्री के गुणों का गान किया जाए तो भी कम है, उनके गुणगान से अपने आत्मा को पवित्र बनाना है। दिन में 3:30 बजे से गुरु गुणानुवाद का कार्यक्रम रहेगा और सायंकाल में 69 दीपकों से आचार्य श्री की आरती की जाएगी। तो चलते हैं, पूजन कीजिए, स्थापना। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे भारत वसुंधरा ने जब मुनियों के दर्श नहीं पाए, सदी बीसवीं में तब श्री चारित्र चक्रवर्ती आए, दक्षिण भारत भोज ग्राम ने एक लाल को जन्म दिया, उसने ही सबसे पहले मुनि परंपरा जीवंत किया, मुनि परंपरा जीवंत किया। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराचार्य वरे अत्र उत्तर उत्तर संशटानम अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्नीतो भव सन्निधिकरण स्थापनम। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को, सागर सम गंभीर तथा गंगा जल सम शीतल वाणी, जीवन में साकार किया प्रभु कुंद कुंद की जिनवाणी, ऐसे गुरु के पद में आए हम जलधार चढ़ाने को, हम जलधार चढ़ाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामीति स्वाहा। चंदन का शीतलता गुण तुम आगे मानो व्यर्थ हुआ, विषधर भी तुम पर चढ़ करके भक्ति भाव कर उतर गया, हम भी निज शीतलता है तू लाए गंध चढ़ाने को, लाए गंध चढ़ाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय, संसार का विनाशनाय चंदनम निरुपामीति स्वाहा। विषय वासना के बंधन जग को निज वश में करते हैं, तुम जैसे मुनि गण तप करके मोक्ष मार्ग को वरते हैं, शुभ्र धवल अक्षत ले आए तुम पद पुंज चढ़ाने को, तुम पद पुंज चढ़ाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय, अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। बाल विवाह हुआ फिर भी ब्रह्मचारी जीवन बीता था, सत्यवती माँ ने अपनी ममता से तुमको सींचा था, कामदेव वश करने हैं तू आए पुष्प चढ़ाने को, आए पुष्प चढ़ाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय, कामवान दर्शनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। 35 वर्षों तक दीक्षित जीवन में घोर तपस्या की, 25.5 वर्ष तुम्हारे उपवासों की संख्या थी, मिले हमें भी तप शक्ति आए नैवेद्य चढ़ाने को, आए नैवेद्य चढ़ाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय, क्षुरारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। दक्षिण से उत्तर में आकर ज्ञान का दीप जलाया था, नग्न दिगंबर वेश मुनि का सब जग को दिखलाया था, ग्रत दीपक ले आए हम भी आए, ग्रत दीपक ले हम भी आए मोह देर नशाने को,
मंदिर निशाने को। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती पद्माचार्य से सांसागराय मोहन कर्म नाश नया दीपम निरुपामीति स्वाहा। कर्मों को कृष करने वाले वीर पुरुष कहलाते हैं, तुम जैसा सुसमाधि मरण बिरले साधु कर पाते हैं। धूप जला कर चाह रहे हम कर्म समूह जलाने को, कर्म समूह जलाने को। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती पद्माचार्य सांसागराय अष्ट कर्म देना धूपम निरुपामीति स्वाहा। उत्तम फल की चाह में तुमने नग्न दिगंबर व्रत धारा, जिन वर के लघु नंदन बन कर मोक्ष मार्ग को साकारा। फल का थाल चढ़ाने आए तुम जैसा फल पाने को, तुम जैसा फल पाने को। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती पद्माचार्य सांसागराय मोक्ष फल प्राप्ति फलम निरुपामीति स्वाहा। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती पद्माचार्य सांसागराय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्य निरुपामीति स्वाहा। सागर जहाँ गंभीरता में सुप्रसिद्ध है, गुरु शांति सिंधु के समक्ष वह भी तुच्छ है। जहाँ शांति का जल सर्वदा कल्लोल करे है, उन गुरु चरण में हम भी शांति धार करें हैं। शांति शांति धारा साधु आदि के पुष्पों से तो ध्यान खिल रहा, तुमसे ही आज मुनिवरों का दर्श हो रहा। उपकार तुम्हारा न धरा भूल सकेगी, खुद पुष्पांजलि से पुष्प वृष्टि करेगी। पुष्पांजलि छिपेत जय माला। गुरु शांति सिंधु की पूजन से आत्म सुख का भंडार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। आषाढ़ असित षष्ठी ईस्वी सन 1872 में पितु भीम गौण माँ सत्यवती से जन्म लिया एक बालक ने। शुभ नाम सात गौंडा पाया तब भोज ग्राम के भाग्य किले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। सन ईस्वी सन 1914 शुक्ला 13 से शुभ ज्येष्ठ तिथि देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से उत्तूर में छुल्लक व्रत दीक्षा ली। निज पर कल्याण भावना ले गुरु शांति सिंधु शिव द्वार चले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। सन 1920 में फिर देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से यरनाल पंच कल्याणक में श्री शांति सिंधु मुनि बने वही। उस फाल्गुन शुक्ला 14 को उनके अंतर मन द्वार खुले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। 28 मूल गुणों में रत मुनिवर की ख्याति फैल रही, आचार्य बने वे सर्वप्रथम समडोली धरा पवित्र हुई। गुरुओं के गुरु वे बने स्वयं निज में जब मूलाचार पले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। तव कृपा प्रसाद से ताम्र पट पर धवल ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ, तव चरणों में नास्तिक जीवों का
अहंकार निर्जीर्ण हुआ। मुनि श्रावक के व्रत ले लेकर तुम वृक्ष में पुष्प हजार खिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। सन 55 कुंतल गिरी पर द्वादश वर्ष सलेखना पूर्ण किया, बादों सुदी द्वितीया को नश्वर काया को तुमने त्याग दिया। लाखों जनता के नेत्रों से तब अश्रुधार पार चले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। युग पुरुष तेरे उपकारों का बदला न चुकाया जा सकता, तेरी श्रेणी में और किसी साधु का त्याग न आ सकता। तू तो तुझ में ही समा गया, बस आज तेरी जयकार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। चारित्र चक्रवर्ती गुरु की जय माल गूंत कर लाए, बीसवीं सदी के प्रथम सूर्य के चरण चढ़ाने आए हैं। चंदनामती मुझको भी तुम सम गुण के कुछ संस्कार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। ओम रीम चार्य चक्रवर्ती पद्माचार्य सांसागरा जय माला पुनर्गमनर्वपामीति स्वाहा। शांते शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। शांति सिंधु आचार्य की पूजन ये सुखकार, जो करते श्रद्धा सही होते भव से पार। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। चलो चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। परम्पराचार्यों के भी लिए अर्घ चढ़ा देंगी। ओम रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर परम्परायाम। प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महाराज, द्वितीय पट्टाचार्य श्री शिव सागर, तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर, चतुर्थ पट्टाचार्य अजीत सागर, पंचम पट्टाचार्य श्रेयांश सागर, षष्ठम पट्टाचार्य अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज, जो समडोली नगर के अंदर विराजमान है। आज उनके पावन सानिध्य में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर लोग इस पुण्यतिथि को मना रहे हैं। ऐसे आचार्य अनेकांत सागर महाराज पर्यंत समस्त परम्पराचार्यभ्यो अर्घम निर्पामीति स्वाहा। विसर्जन करें। ओम राम रीम रूम राम रार सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यल्या सर्व यक्ष यक्षी दिक्पालाद्या स्वस्थानम गच्छत गच्छत जा जा जा। प्रमादास ज्ञानधर पादिर्भीतम भीतम ने जिनेन्द्रास्तु सादात्ते सकलम सकलम चतत मोहद्वान्द्विदानो सत्सोद्वासि दीप्तिश्यम सन्मार्ग प्रतिभास्कम विविध संदोहामृतापादकम श्रीपादम जिन चंद्र शांति शरणम सद्भक्तिमानीमिते भूयस्तापनस्तेव भवतो भूयात् पुनर्दर्शनम भूयात् पुनर्दर्शनम भूयात् पुनर्दर्शनम। श्री जिनवर की आशिका श्री गुरुवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए भवो की पातक कटे दुख दूर हो जाए। चलो चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय।